जो मैंने अब बदल रहे थे। तो आज होने वाला है समर्स में होने वाला मेकअप, समर्स में हम किस तरीके से मेकअप कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत कम मेकअप प्रोडक्ट यूज करूंगी ताकि समर्स में हमारा मेकअप बहुत अच्छा और फ्रेशिंग भी हो। दूसरा, कम से कम अगर आप मेकअप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगी, शाइनी भी रहेगी और ग्लोइंग भी रहेगी। तो आज के इस वीडियो में यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप इस समर सीजन में अपना मेकअप कर सकते हो और वो लॉन्ग लास्टिंग भी बना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ हिमालया की जेल मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर नहीं देगा, लेकिन ऑयली अगर आपकी स्किन है तो उन लोगों के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा रहेगा, स्पेशली समर्स के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट रहेगा, सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ हिप का सीरम, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो ये मॉइस्चराइज़र ड्राई स्किन के ऊपर सफिशिएंट तो नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें सीरम ऐड कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से, अपनी स्किन टोन के हिसाब से अपना सीरम यूज़ कर सकते हो इसके साथ, तो इससे एक बहुत अच्छा ग्लॉसी सा बेस बनेगा। अब यहाँ पर कलर बार का मैंने प्राइमर लिया है, तो जो हमारा टी पॉइंट एरिया होता है वहाँ पे हमको प्राइमर यूज़ करना है, क्योंकि जो ऑयल हमारे निकलते हैं ना स्किन से वो ज़्यादातर इसी एरिया से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ के पोर्स थोड़े से ओपन होते हैं। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के लिए वेट एंड वाइल्ड की आईब्रो किट। तो मुझे बेसिकली पाउडर वाली ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे तो बेसिकली जो आईब्रो जो पाउडर वाली बेस्ड होती है ना वो बहुत परफेक्ट देती है। अगर मैं सजेस्ट यही करूँगी कि पेंसिल से ज़्यादा अच्छी आप पाउडर बेस्ड आईब्रो किट लोगे ना तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है। अब कंसीलर ले रही हूँ जो कि है ये मेबेलिन का कंसीलर है और नंबर 10 है आई थिंक इसका शेड। तो जो आईब्रो होती है ना उसको आप इस तरीके से आउटलाइन बना लें बजाय बहुत ज़्यादा कंसीलर लगाने के। खाली इसकी आउटलाइन बना लोगे तो आपकी जो आईब्रो और आईज़ होती है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट होगी, और बहुत ज़्यादा आप कंसीलर नहीं भी लगाओगे तो भी आपकी आई लुक बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे जो कंसीलर है, यहाँ पे जो आईलिड है हल्का हल्का सा आप अप्लाई कर लें और एक ब्रश की मदद से, कंसीलर ब्रश की मदद से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। ब्लेंडिंग बहुत रगड़ के ना करें, बहुत सॉफ्टली अपने हैंड को यूज़ करें। इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये बीबी क्रीम जो कि है स्विस ब्यूटी की। मुझे स्विस ब्यूटी की ये वाली बीबी क्रीम बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत ज़्यादा हाई कवरेज नहीं देती है और इसमें क्रीम ज़्यादा और फाउंडेशन कम होता है, इस वजह से भी ये मुझे काफ़ी पसंद है। दूसरा, एक बहुत अच्छी शाइन आती है इस क्रीम को लगा के। अगर आपको शाइनी वाला लुक चाहिए डे के लिए स्पेशली, तो ये क्रीम बहुत अच्छा वाला लुक देती है शाइनी, क्योंकि हल्का सा शाइनी लुक है इस क्रीम के अंदर जो कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। और इसका ग्लो भी बहुत अच्छा है इस क्रीम का, नंबर 01 है इसमें मेरा शेड। लिपस्टिक के लिए ये मैंने इनसाइड की लिपस्टिक ली है, शकुरा इसका शेड है। तो ये जो है ना एज अ क्रीमी वाली जो लिपस्टिक हम अगर यूज़ करेंगे तो इसका लुक भी बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल नेचुरल लुक आएगा। अब कंपाउडर जो कॉम्पैक्ट पाउडर है वो है मेरा लैक्मे का 925 नंबर 01। तो हल्का हल्का सा उससे सेट कर लें अपना फेस। इसके बाद आई शेडो के लिए मेकअप रिवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट ली है, तो ये रेड कलर लिया है। हल्का सा रेड लेना है, भर भर के आई शेडो नहीं लेना है, बहुत हल्का हल्का लेना है, खाली हमें हल्का सा लुक देना है आई शेडो का। और इस तरीके से एक फ्लफ़ी सा ब्रश लें और उसी से कॉर्नर्स वाले एरिया को सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते रहें, बहुत इनर तक नहीं आना आपको। अब ऑरेंज कलर का आई शेडो लेके मैंने फ्रंट वाले एरिया पे इसको भी सर्कुलर मोशन में ब्लेंड कर लिया है, तो ये लुक आई लुक काफ़ी अच्छा क्यूट सा लगता है। अब हाइलाइटर भी मैं इसी में से यूज़ कर रही हूँ एज अ हाइलाइटर आईब्रो बोन्स के ऊपर, जो इसमें सिल्वर कलर का शिमर दिया हुआ है, तो उसी से हाईलाइट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा शाइनी वाला हाइलाइटर ना यूज़ करें डे लाइट में। इसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का आई शेडो लिया है और उससे हमको एज अ जैसे आईलाइनर भी लगाते हैं ना उसी तरीके से इसको स्मज कर लें, तो ये लुक भी बहुत अच्छी लगती है। आईलाइनर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है, ये लाइनर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिल्कुल मैट लुक देता है, बिल्कुल भी ग्लॉसी या शाइनी लुक नहीं है इस लाइनर में, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्विस ब्यूटी का भी न्यूली लॉन्च हुआ है और फेल टिप इसकी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ईजीली आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप बिगनर्स हैं। आई लैशेस ऑप्शनल है, अगर अच्छी है तो कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी तो बहुत ही छोटी है। अब यहाँ पर कॉन्टोर कर लेंगे हम अच्छे से, वेट एंड वाइल्ड की कॉन्टोरिंग किट ली है, हल्का हल्का पाउडर बेस कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग अच्छे से ब्लेंड कर लें, क्योंकि डे लाइट में कॉन्टोरिंग अगर अच्छे से नहीं करोगे तो वो बहुत अजीब भी लगेगी और दिखेगी भी अजीब। और नोज़ की कॉन्टोरिंग बिल्कुल करना ना भूलें, ज़रूर करें। अब ब्लशर जो कि है स्विस ब्यूटी का ब्लशर है नंबर 05, ये ब्लशर प्लस हाईलाइटर है,
तो ये हाइलाइटर का भी वर्क करता है और डे लाइट में ये परफेक्ट जाता है, कोई चंकी पार्टिकल्स नहीं है। फिर भी मैं हल्का सा हाइलाइटर ले रही हूँ जो कि है वेट एंड वाइल्ड का। अगर आप हल्का सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस तरीके से हल्का हल्का हाईलाइट कर सकते हो अपने फेस को। लिपस्टिक के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये, मैंने ये लिप लाइनर है, कोई सा भी ब्राउन कलर का ले लें। अब उसके बाद पूरे फेस को सेट कर ले सेटिंग स्प्रे से। स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे है। लिपस्टिक जो लिक्विड लिपस्टिक यूज़ की है वो है मिस क्लेयर की नंबर 04। ये पीची ऑरेंजेस का मिक्सअप है, तो आप इसको मिक्स करके अप्लाई करोगे तो ये बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है और उससे इसको सेट कर दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के बहुत अच्छा आता है और लिपस्टिक आपकी लॉन्ग लास्टिंग भी बनी रहती है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप डेली वेयर में मेकअप करोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगोगे, स्पेशली समर सीज़न में, या आप कहीं हॉलीडे पे घूमने भी जा रहे हो ना तो भी ये लुक बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सिंपल है, नेचुरल है, कोई पुता हुआ नहीं है कि बहुत ज़्यादा भर भर के फाउंडेशन ले लिया है या बीबी क्रीम ले ली है। तो ये था मेरा आज का लुक। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगे, तो प्लीज़ उसे मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।